बनाने के लिए पुरानी कुर्ती, धागा और कैंची की जरूरत है। ये मेरे पास पुरानी कुर्ती है एप्रन बनाने के लिए। आपके पास जो यूज में ना होती हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुर्ती को उल्टा कर लिया है, अब इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, पूरा बराबर कर लीजिए। 31 इंच पर हमने ये मार्क लगाना है लंबाई के लिए। उसके बाद गले की साइड से 5 इंच का निशान लगाना है, इस तरीके से 5 इंच से फिर 10 इंच का मोढ़ा तैयार करना है। इस तरीके से इसको कोण बना लीजिए, इस तरीके से मोढ़े की राउंड शेप लेनी है। आइए कटिंग करते हैं। आप जो कपड़ा बचा था उसको हम पट्टी के लिए यूज करेंगे, जो एप्रन को बांधने के काम आएगी। इस तरीके से काट लीजिए पट्टी को 1 इंच में। कमीज की जो बैक साइड थी उसकी हम ये गले पर लगाने वाली पट्टी बनाएंगे। गले के पीछे से जो हमने कपड़ा काटा था वो हमने 20 इंच की पट्टी बनानी है। इस तरीके से दो भाग में इसे काट लीजिए, 20 इंच की तैयार पट्टी हो जाएगी। सिलाई करते हैं, पहले हम ये 3 पट्टियों को रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से मोड़ना है इसको, ऐसे करके फोल्ड करना है। देखिए हमने 3 पट्टियां तैयार कर ली हैं। आइए अब हम एप्रन की सिलाई करते हैं। ये देखो ये जो पार्ट खुला हुआ है ना, इसको सिलाई कर लेते हैं अब हम। ये देखिए सिल गया है, अब इस तरीके से सीधा कर लीजिए इसे, इसे चारों कोने इसको निकाल लीजिए। इस तरीके से सिलाई हो गई है। अब ये जो ये वाला खुला हुआ पार्ट है, अब इसको ऊपर से ऐसे ही सीधे पासे से ही ऐसे सिलाई कर लीजिए, इस तरीके से जो चाक वाली साइड होती है। ये चाक सिल लिए हैं, अब घेरे की साइड से इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से मोड़ लीजिए और सिलाई कर लीजिए। ये देखिए मैंने अब ये चारों तरफ से सील लिया है, अब मैं इसे पट्टियां लगाने के लिए तैयार करती हूँ। जो हमने 3 पट्टी बनाई थी वो 1 पट्टी यहाँ लगेगी, 1 पट्टी यहाँ लगेगी और 1 यहाँ लगेगी, जो 20 इंच की है वो यहाँ पर लगेगी। ये देखिए मैंने पट्टियां जोड़ दी हैं, ये एप्रन तैयार हो गया है। अब आपकी कोई भी पुरानी कुर्ती हो आप उसे रीयूज कर सकते हो।